हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं इथेरियम 2.0 के बारे में, जो कि काफ़ी अभी नया है और ये आने वाले समय में लॉन्च होने ही वाला है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन चार पॉइंट्स को कि व्हाट इज़ इथेरियम, व्हाट इज़ इथेरियम 2.0 एंड व्हाट मेक्स इथेरियम 2.0 बेटर एंड व्हाट विल हैपन टू इथेरियम। व्हाट इज़ इथेरियम? इथेरियम एक ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें ईथर एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर बनी हुई है। व्हाट इज़ इथेरियम 2.0? तो इथेरियम 2.0 एक अपग्रेडेड वर्जन है इथेरियम ब्लॉकचेन का ही, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इम्प्रूव देखने को मिलेंगी, जैसे बेटर TPS। जो अभी TPS है इथेरियम का वो 30 है, मतलब कि ये एक सेकंड में 30 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकता है। और जो इथेरियम 2.0 आने वाला है, ऐसा माना जा रहा है कि वो पर सेकंड 1,00,000 ट्रांजेक्शन कर सकता है, और ये पहले से ज़्यादा सिक्योर और इको फ्रेंडली होगा क्योंकि इसमें प्रूफ ऑफ स्टेक यूज़ किया जा रहा है। What makes Ethereum 2.0 better? तो माइनिंग के लिए अभी तक इथेरियम में हम प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम बिटकॉइन में भी प्रूफ ऑफ वर्क ही यूज़ करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में काफ़ी परफॉर्मेंस के इश्यूज आते थे क्योंकि इसमें काफ़ी हाई एनर्जी यूज़ होती है ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए, पर प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा नहीं है। प्रूफ ऑफ स्टेक में जिस होल्डर के पास जितने ज़्यादा कॉइन्स होंगे उसकी माइनिंग की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, और उसे एज अ नोड भी डिसाइड कर दिया जाएगा, जिससे जो ट्रांजेक्शन की स्पीड है काफ़ी फास्ट हो जाएगी। दूसरा जो इसका पॉइंट है जो इसको और अच्छा बनाता है, वो है श्रेडिंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक मेन इथेरियम चेन होगी जो काफ़ी बड़ी होती है अपने आप में, तो उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसे उन्हें श्रेड बोला जाएगा, जैसे श्रेड 1, श्रेड 2 एंड श्रेड 3। तो इन श्रेड्स में खुद की एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होगी, इनका खुद का डेटा होगा, ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होंगे, और इनका जो कनेक्शन होगा डायरेक्ट मेन इथेरियम चेन से ही होगा। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रांजेक्शन पर सेकंड की जो स्पीड है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये खुद को मैनेज करेंगे और इनकी खुद की एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होगी। व्हाट विल हैपन टू इथेरियम? अब इथेरियम का क्या होगा जब इथेरियम 2.0 आ जाएगा? तो ऐसा माना जा रहा है कि इथेरियम स्वैप भी आगे मार्केट में आएगा, जहां पर आप अपने इथेरियम को इथेरियम 2.0 से स्वैप कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।